हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? बढ़िया होंगे। देखिए, कल हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ा। अल्टरनेटिंग करंट का आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट, ये तीनों सर्किट का वीडियो है, अवेलेबल है। ठीक है, कल किसी टेक्निकल रीजन से आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट, इन तीनों सर्किट की वीडियो नहीं है, वो जल्दी मैं बना दूंगा। आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? जैसे मुझे टाइम मिला तो मैं तीनों सर्किट की बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है अपना। ये कौन सा करंट क्वेश्चन था? चलो, ये हो गया था अपना, ये वाला था एसी जनरेटर वाला। मैंने बोला था अपने है नहीं एसी जनरेटर का सवाल, इन द रीजन यूनिफॉर्म इंडक्शन, ये भी नहीं है एसी जनरेटर का सवाल है। हाँ, ये हो गया था अपना, ये हो गया था, ये भी करवा दिए थे हमने, ये भी करवा दिया था। चलो, ये रहा सवाल, ये भी हो, ये अभी कंसेप्ट आया नहीं है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। हाँ, यहां से ये मैंने होमवर्क में दिया था, याद हो तुम्हें तो। ये आपको देखकर आपको आईआरएमएस निकालना है, जल्दी से शुरू हो जाओ, जल्दी से करके बताओ, उत्तर बोलो। कितना आया उत्तर बोल, किसने कर लिया ये सवाल, किसने कर लिया था, क्या उत्तर आया बोलो। बताया जल्दी करो, हाँ चलो देखो। सबसे पहले क्या करना, आईआरएमएस निकालना है बेटा, आईआरएमएस। मैं आईआरएमएस नहीं निकाला, मैं निकालूंगा आईआरएमएस का स्क्वायर निकालूंगा पहले, इससे मुझे एक बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आईआरएमएस देखते क्या होता है, मैंने आपको यही बताया था आईआरएमएस के बराबर इक्वेशन लिखी थी। तो आईआरएमएस बराबर ये है प्यारे बच्चों, तो आईआरएमएस का स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा बेटा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बेटा, आई स्क्वायर का, आई स्क्वायर क्या करना है बच्चों, आई स्क्वायर। आई बोले तो आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और इसका मुझे क्या करना है प्यारे बच्चों, बाहर करना है। मैं अच्छे से जानता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, ये मुझे दिख रहा है प्यारे बच्चों ए, क्या दिख रहा है बच्चों ए, तो ये मुझे क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा रे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा बेटा, आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो बच्चों, इसके ऊपर बार था, बार लगाते रहो सबके ऊपर, भूलना नहीं है, प्लस टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी का बार। आई नॉट स्क्वायर का बार मतलब आई नॉट स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो उतनी ही होगी, जो वो टर्म है उतनी उसकी क्या होगी बेटा अपने पास, एवरेज वैल्यू होगी।
तो ये हो जाएगा मेरे पास I नॉट का प्लस I नॉट स्क्वायर का एवरेज क्या आएगा, I नॉट स्क्वायर ही आएगा, और मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लेना है, कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 प्लस 2 I नॉट स्क्वायर का बार और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है 0, कितनी होती है बेटा 0, तो ये आ गया आई नॉट का स्क्वायर प्लस आई नॉट का स्क्वायर इंटू 1/2 और वो हो गया 0, क्या हो गया बेटा 0, 0 कैसे हुआ क्योंकि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू मैंने आपको क्या बता रखी है 0, तो ये क्या हो गया बेटा ध्यान से देखोगे तो 3/2 आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि 1/2 प्लस 1 क्या हुआ 3/2 हुआ कि नहीं हुआ, ये कितना आई नॉट स्क्वायर 1 आई नॉट स्क्वायर बाई 2 तो क्या हुआ 3/2 आई नॉट स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आया आई आर एम एस स्क्वायर आया, लेकिन मुझे क्या चाहिए आई आर एम एस चाहिए, मुझे क्या चाहिए आई आर एम एस, ये क्या आएगा रूट 3/2 आई, ये करेक्ट आंसर है इसका, तुम्हारे पता नहीं क्या आ रहा था आई आर आ रहा, जल्दी से लिखो इसको फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थोड़ा जल्दी करो बेटा, चलो अब देखो ध्यान से अगला सवाल निकाले बेटा, अब अगला सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए ध्यान रखना, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का और इसी पैटर्न का सवाल है, जो हमारा अगला सवाल है वो इसी पैटर्न का सवाल है, देखो ध्यान से सेम सवाल एसी की इक्वेशन इस बार क्या दिए ये दिए आई बराबर आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू साइन ओमेगा टी, आपको वापिस अगेन क्या निकालना है आर एम एस वैल्यू, क्या निकालना है बेटा आर एम एस वैल्यू किसकी निकालनी प्यारे बच्चों, तो आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी करंट की, क्या निकालनी प्यारे बच्चों करंट की, यानी क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है आप लोगों से कि आपको I की इक्वेशन दे रखी है I1 cos ओमेगा t प्लस I2 sin ऑफ ओमेगा t, आप निकालना क्या चाहते हो प्यारे बच्चों आई आरएमएस निकालना, यानी कि पिछले जैसा सेम सवाल है, ठीक है तो जिस तरीके से मैंने करा उसी तरीके से करके बताओ, थोड़ा फास्ट करके बताओ, जल्दी करो फटाफट
सेम करना, जैसे ये वाला सवाल किया था कैसे करोगे, इसका स्क्वायर करो, क्या करो स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा मुकेश, आई बन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस टू आई वन आई टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा। देखो एवरेज वैल्यू निकालो, इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी आई वन स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू हाफ प्लस इसकी वैल्यू आई टू स्क्वायर, इसकी भी हाफ प्लस जीरो, कैसे होगा बता, ऐसे करो नहीं तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो ये क्या बन गया, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होता है साइन ओमेगा टी, क्या होता है साइन ओमेगा, कोई भी चीज तरीके से क्या करो आई वन आई टू मान लो और ये बन गया बेटा साइन टू ओमेगा टी, क्योंकि साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा। अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जीरो आ जाएगी, तो ये अपने पास आ गया आई आर एम एस का स्क्वायर आ गया बच्चों आई वन का स्क्वायर बट्टे दो प्लस आई टू का स्क्वायर बट्टे दो। तो जब हम आई आर एम एस निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर बट्टे, आगे बात समझो इस तरीके से आपको करना है। अब हम बढ़ते हैं सर्किट के सवाल की तरफ, और पहला सवाल ये रहा सर्किट, देखो आपको यहाँ पे पहले सवाल को समझ लो ठीक है, जो तरीके सिखाए थे ना उन तरीकों से सवाल को करना है, पहले तरीका समझो। ये क्या है बेटा इंडक्टर कॉइल है, क्या है इंडक्टर कॉइल, यानी कि एल कुल मिला के एल परिपथ की बात होगी, एल परिपथ में क्या होता है एक्सएल होता है जो किसके बराबर होता है ओमेगा एल के बराबर। तो मुझे इक्वेशन क्या दी E बराबर 100 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बटे 3, यानी कि मेरा E नॉट कितना है बेटा V न लिखे इसने क्या लिखा बेटा E लिखा, तो एक ही बात है बेटा E नॉट कितना है बेटा 100 है, कितना है 100, ओमेगा कितना है तो ओमेगा T होता है तो 100 पाई क्या है बेटा ओमेगा, और ये फेज डिफरेंस क्या मिल गया फेज भी मिल गई ठीक है। अब आपको L दिया है कितना बेटा 2/3 पाई हेनरी, L भी मिल गया अपने को, क्या मिल गया L भी मिल गया, निकालना क्या है एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई की इक्वेशन निकालनी, क्या निकालनी आई की इक्वेशन, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से करके। चलो सबसे पहले क्या करोगे आई नॉट को इक्वेशन क्या लिखते थे हम, अपने को इस इक्वेशन पे नहीं जाना, अपन ने जो पढ़ा वो अपने को देखना है इसने क्या लिखा अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को बताया अपने पास अगर वी होता था वी नॉट साइन ओमेगा टी तो हमारी इक्वेशन क्या बनती थी इंडक्टर कॉइल के लिए क्या बनती थी बताओ जल्दी से, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अपने को यही करना है, समझ गए नहीं समझ गए। अब अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है सबसे पहले आई नॉट निकालो, क्या निकालो आई नॉट निकालो, सबसे पहला काम तो ये करो तुम लोग जल्दी से। I नॉट कैसे निकालोगे तो I बराबर क्या होता है V बटे R, अपन I नॉट निकाल रहे तो I नॉट V क्या लोगे E नॉट, क्या लोगे बेटा E नॉट बटे R, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है XL, E नॉट XL किसके बराबर होता है बेटा ओमेगा L के बराबर, अब सॉल्व कर लो E नॉट कितना है बेटा 100, ओमेगा कितना दे रखा है बेटा 100 पाई, एल कितना दे रखा है बेटा 2/π, तो देखो पाई से पाई कैंसिल 100 से 100 कैंसिल तो कितना आया 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, आई नॉट कितना मिल गया 0.5 मिल गया आई नॉट। उसके बाद देखो ध्यान से अपने पास आई नॉट आ गया 0. अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं आई की बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी पाई टी। अब ध्यान से रुक जाओ अब क्या करना, कभी भी किसी की इक्वेशन लिखो अब जो इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर करो,
इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो अपन क्या करते थे, उस फेज जो है वो पीछे चलता था पाई बाई टू, भाई इंडक्टर में क्या होता था फेज क्या चलता था पाई बाई टू पीछे। तो ये जो फेज दे रखा है, अब ये पूरा लिखो फेज, अब जो भी फेज दे रखा है वो पूरा लिखो। तो फेज क्या दे रखा है बेटा, 100 पाई टी प्लस पाई बाई थ्री, यह बन गया इक्वेशन। फिर क्या करता है, ये इक्वेशन क्या होती है, लैग करती है, क्या करती है लैग, और कितना लैग करती है पाई बाई टू। अब इसको सॉल्व करके बता, अब क्या इक्वेशन है, ये पीछे वाला टर्म सॉल्व कर, सीधा ही घटा लो ना, पाई बटा तीन कितना हो गया, पाई बटा तीन बोले तो 60 डिग्री, और ये 90, 60 में 90 क्या गया -30, यानी कि पाई बटा 6। ये आ गया इक्वेशन 0.5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बटे 6। ये इक्वेशन ऐसे निकाल लिया, आई बात समझ में, किसी को समस्या हो तो बोलो जल्दी से, किसी को समस्या नहीं है, आसानी से किया, जो हमें आता था वही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट आई की इक्वेशन निकालना, आई नॉट तो निकालना पड़ेगा, आई नॉट क्या बनेगा वी नॉट बटे आर होता है। तो यहाँ पे एज ए रिएक्टेंस, एज ए रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस आ जाएगा, जो क्या होगा एक्सएल। एक्सएल किससे निकाला, ओमेगा एल से। एक्सएल किससे निकाला, ओमेगा एल से निकाल के आई नॉट मिल गया, आई नॉट साइन। फिर देखो सर्किट कौन सा है, सर्किट इंडक्टर का लैग करता है पाई बाई टू, जो जो गिवन फेस है, जो गिवन फेस है उसमें क्या कर दो माइनस पाई बाई टू कर दीजिए। चलो लिखना है तो लिखो, अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कैपेसिटर है, क्या है बेटा कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का, कितना है 1 माइक्रोफेरेड का, और उसे एसी से कनेक्ट किया गया, और उसका जो ये आपको वोल्टेज दे रखा है ई बराबर 250 sin 100 pi। यार इस बार इक्वेशन अपनी सिमिलर ही मिल रही है, अपने इक्वेशन कौन सी सीखी थी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी वी नॉट कितना मिल गया 250। सबसे पहले इसको कनेक्ट करो, पहले तो कैपेसिटर को किसके साथ में, ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, मतलब इसका सी कितना है 1, कितना है बेटा 1 माइक्रोफेरेड। एसी सोर्स लगा दो जल्दी से, इसका प्रतिरोध, इसका रिएक्टेंस क्या होगा एक्सी, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। अब जो जो पूछे वो निकाल, राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, और सेकंड गिविंग रीडिंग एसी मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, मतलब इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वी नॉट मिल गया और ओमेगा कितना है 100 pi, सी कितना दिया है 1 माइक्रोफेरेड। अब आप कर लो जो आता है, आपको सारा काम कर लो जल्दी से फटाफट। चलो आई नॉट कितना आया बेटा, तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, सिर्फ आई नॉट ही है, बाकी तो इसमें फेज है ही नहीं, सीधा सीधा जोड़ना ही है। आई नॉट क्या करोगे बेटा, ई नॉट बटे एक्स सी, ई नॉट बटे एक्स सी, और ई नॉट बटे एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी, ये क्या बन गया ई नॉट इंटू ओमेगा सी, ठीक है बेटा। इनवर्ट कितना दे रखा है 250, ओमेगा कितना दिया है 100 pi, सी कितना दिया है 1 × 10⁻¹। इसको ये आया था तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो ध्यान से देखोगे तो 2 और 1 क्या हो गया 3, और यहाँ पावर कितनी है 6,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 25/1000 गुणे पाई लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ। और ये कट गया तो क्या हो गया, 40। तो मैं लिख सकता हूँ 25/40, 25 तो कट गया, 25 कहाँ से आएगा रे, है 1/40 पाई आ गया। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा, पाई 4 × 1/10। आपको पता है पाई का मान कितना होता है, 3.14। 3. कितना होता है, 14। अब 3.14 का 1/4 कितना होगा, तो ऐसा मान के चलो, अगर मान लो 3 होता कितना होता, 3। अब उन ऐसा माने 3 होता तो उसका 3 का आधा कितना होता है, 1.5। और 1.5 का आधा कितना होता है, 0.75। यानी 0.75 से कुछ बड़ा है, 0.75 से कुछ बड़ा है, और 0.75 से कुछ बड़ा है, इसमें देखो किसी में 0.75 से कुछ बड़ा दिख रहा है क्या, 0.8 सीधा। हमेशा अप्रोक्सीमेशन लगाया करो, सॉल्व किया मत किया करो, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ। और 3.14 का अगर आप फोर्थ निकालते हो, निकाल भी दो कितना आएगा भाई, 3.14 है ठीक है, 3.14 का आधा करो तो 1.5 तो वो हुआ, 14 का आधा क्या हुआ, 0.7, यानी 1.57 हुआ, क्या हुआ, 1.57। इसका आधा कर दो 0.76 के आसपास उत्तर आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अपना उत्तर कितना आ रहा है, 0.08 पाई नॉट तो मिल गया। सीधा ऑप्शन से करो, अपन तो ऑब्जेक्टिव्स वालों की तैयारी कर रहे हैं, तो 0.08 आ गया साइन 100 पाई। अब देखो अपने ऑप्शन में देखो, एक में ये 0.8, सीधा आंसर टिक कर देते, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर हमेशा लीड करता है, कैपेसिटर हमेशा क्या करता है, लीड मतलब आगे चलता है, क्या चलता है आगे, कितना चलता है, पाई बाई टू, बिल्कुल पाई बाई टू। अब इसने सवाल में क्या बोला, ध्यान से सुनो, इसको आगे पढ़ो, गिव रीडिंग ऑफ एसी ओ मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, सर्किट में जो ओ मीटर कनेक्ट कर रखा है उसकी रीडिंग बताओ। तो सर्किट में जो कनेक्ट कर रखा है ओ मीटर, बेसिकली वो एसी की रीडिंग पूछ रहा है, और एसी में रीडिंग क्या आती है, आरएमएस वैल्यू, क्या आती है बेटा, आरएमएस वैल्यू, आई बात समझ में। तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू के बारे में ये अपने से पूछ रहा है, तो करंट की आरएमएस वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी, ये तो आई नॉट है, आई बराबर क्या होता है, आई नॉट बट्टे रूट टू कर देना, क्या कर देना, आई नॉट बट्टे रूट टू कर देना। चलो आगे बात समझ में, कर लोगे, करवाने की जरूरत नहीं, लिखना है कुछ क्वेश्चन लिख दिया, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपर का सवाल है 2011, अगला जो क्वेश्चन है वो 2011 के पेपर का सवाल। देखो क्या दिया, एसी सर्किट है, कौन सा सर्किट है बेटा, एसी, इस बार वोल्टेज दिया, क्या दिया बेटा, वोल्टेज, देखो वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई, और किसी तरह का फेज में कोई चेंज नहीं है, तो इसकी इसकी तुलना किससे करोगे, वी नॉट साइन ओमेगा टी से, तो वी नॉट कितना आ गया, 200√2, ठीक है। उसके बाद में अपने को ये क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे पाई होना चाहिए था, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ओमेगा कितना मिल गया, 100। कैपेसिटर, कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी दी गई, कैपेसिटर की 1 μF, मतलब सी मिल गया। आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की, किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की आरएमएस वैल्यू, और करंट की आरएमएस वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आई नॉट चाहिए। यहाँ ऐसे करो, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, भली आई आरएमएस बराबर एक फॉर्मूला लिखा था, वी आरएमएस बट्टा इसका रिएक्टेंस, यहाँ पर रिएक्टेंस का काम कौन करेगा, एक्सी, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आई नॉट निकाल के बट्टे रूट वहां से कर लो। तो आई नॉट कैसे निकालोगे, आई नॉट निकलेगा वी नॉट बट्टे आर, यहाँ पे रिएक्टेंस का काम कौन करेगा, एक्सी, आई नॉट ऐसे निकाल दो वरना डायरेक्ट ऐसे निकाल। तो सबसे पहले क्या निकालो, आई नॉट, क्या निकालो, आई नॉट, आई नॉट निकाल के आई नॉट बटे रूट टू बोलो, इस तरीके से निकाल दो, नहीं तो अगर वी आर एम एस निकालना पड़ेगा बात तो वो की हुआ, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो दोनों से कर लो। चलो
करो जल्दी से, क्वेश्चंस मत लिखा करो, पहले आंसर निकाला करो, जो काम दे वो किया करो, क्वेश्चंस लिखने का काम वीडियो से कर लेना। किताया सबसे पहले आई नॉट निकाला तुम लोगों ने, आई नॉट क्या बनेगा रे, ई नॉट बट्टे एक्स सी, एक्स सी क्या होगा वन अपन ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर चला गया, ई नॉट ओमेगा सी, ई नॉट कितना दे रखा है सवाल के अंदर देखो, 200√2 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो 200√2 ओमेगा कितना है 100, सी क्या दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड का मतलब क्या हो गया 10⁻⁶, तो ये कितना आ गया बेटा 2 और 2 4 पावर की, 10⁻², 2√2 × 10⁻²। अब क्या निकालना है, आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बट्टे √2, आई नॉट बट्टे √2 करो, आई नॉट कितना आया 2√2 × 10⁻², बट्टा कितना आ गया √2 से √2 गया तो क्या आया 2 × 10⁻²। एम पी क्या ऑप्शन में है क्या, देखो ऑप्शन में मिली में आ रहा है तो मिली में बनाओ, इसको 10 से गुणा भाग कर लो तो ये क्या बन गया 20 × 10⁻³ एम्पियर, यानी क्या आ गया 20 मिली एम्पियर। चलो 20 मिली एम्पियर आ गया। चलो चलो ये वाला सवाल करो, पेपर का सवाल है 2001 के पेपर का सवाल है, सवाल समझ लो सवाल क्या, एक कैपेसिटेंस है जिसकी कैपेसिटी सी है, कितनी है बेटा सी, इसका रिएक्टेंस एक्स दिया है, जैसे मैं एक्स सी बोलता था ना, एक्स सी का मान कितना दिया बेटा एक्स दिया इस बार, ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या दे रखी है सी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी बोला गया डबल हो रही है, क्या हो रही है डबल, तब रिएक्टेंस कितना होगा, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे बेटा डबल, तब अपने को निकालना है कि एक्स सी का मान कितना आएगा, रिएक्टेंस का मतलब क्या निकालना है एक्स सी, बस इतना सा सवाल, फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो एक्स का मान कितना आएगा ये करना है। जब इसकी कैपेसिटी को डबल कर दें, हाँ इसने ये भी लिखा है इफ कैप, हाँ अच्छा इसने ये बोला है कि सी को भी डबल कर रहे हैं, मतलब 2c कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 2c, अगर सी को 2c करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है डबल, उस केस में एक्स का मान क्या आएगा ये सवाल है। एक बार वापिस से सवाल समझ लो जिनको नहीं पता है, जिसकी कैपेसिटी सी है तब उसका अपने पास में जो रिएक्टेंस है वो एक्स है, कितना है एक्स, अगर आप कैपेसिटी 2c करते हो तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है डबल, क्या होती है डबल, तो ओमेगा मान लेते फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, तो बताना है नई जो रिएक्टेंस बनेगा एक्स डैश वो कितना है। सी आएगा, सही बात है, देखो आपको पता है एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ωc, क्या होता है एक्स सी बराबर होता है 1/ωc, इसको एक्स मान क्या मान लो एक्स, नई फ्रीक्वेंसी नया जो रिएक्टेंस है वो एक्स डैश बनेगा, क्या बनेगा एक्स डैश, अब फ्रीक्वेंसी को कितना किया डबल, कैपेसिटी को भी क्या किया डबल, ये क्या बनना 1/4 ωc, यानी 1/4 × 1/ωc, 1/ωc का मान क्या है x, तो ये कितना बन गया बेटा x/4, इसका उत्तर आ गया x/4। जल्दी से करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, ये चलो क्वेश्चन से कॉयल है बेटा रेजिस्टेंस की 300 ओम की, कितने ओम की है 300 ओम की, इस बार अपने पास में कॉयल दे रखी है मतलब इंडक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस लिखा, कॉयल का रेजिस्टेंस अपने को कितना दिया है 300 ओम, ठीक है, अच्छा एक रेजिस्टेंस ही दे रखा है ठीक है, और एक इंडक्टेंस दे रखा है 1 हेनरी, कितना दे रखा है 1 हेनरी, यानी अपने पास में एक आर है और एक क्या है बेटा एल, तो कौन सा सर्किट हो गया आरएल सर्किट, कौन सा हो गया बेटा आरएल सर्किट, इनको आपस में कनेक्टेड करके अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है, क्या दिया है अल्टरनेट वोल्टेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 300/2π, क्या दे रखा है 300/2π, यानी f का मान दे रखा है 300/2π, आपको फेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट, जो वोल्टेज और जो करंट आएगी उन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आएगा अर्थात फाई कितना आएगा, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम से फिर उसका वोल्टेज का डायग्राम बनाओ, मैंने सिखाया जैसे, फिर उसका रिएक्टेंस का डायग्राम बनाओ इम्पीडेंस का जैसे सिखाया था मैंने वैसे,
वहां से आप लोग करके बता दो कितना फेज डिफरेंस आया। चलो सवाल लिख दो। सबसे पहले सर्किट बनाओ। बनाया सर्किट, एक बना दो क्या बेटा कॉइल, और एक बना दो रेजिस्टेंस, और क्या दे दो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, उसके बाद में इंडक्टर कॉइल का एल कितना है 1 हेनरी, रेजिस्टेंस कितना है बेटा 300 ओम। आई बात समझ में? तो रेजिस्टेंस मिल गया आप लोगों को अच्छे से। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा 300/2π। आई बात समझ? अपने को फाई निकालना है। क्या निकालना है? आपको कोई तरीका बताया था फाई निकालने का? अगर हमने आरएल सर्किट पढ़ा हो तो उसमें एक मैंने डायग्राम बनाया था इंपीडेंस का, तुम्हें याद हो तो, कि इस साइड मेरी आर होता था, इस साइड मेरा क्या होता था एक्सएल। क्या बेटा यहाँ इम्पीडेंस बाधा क्या आती थी जेड, ये एंगल क्या बनता था फाई, और टेन फाई किससे निकालते थे, मिल गया। अब मुझे फाई तो मिल जाएगा, पर मुझे उसकी इक्वेशन भी लिखनी है। क्या लिखनी है? इक्वेशंस। वो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले फाई निकाल के बताओ कितना कितना आएगा 2π। सॉल्व करो बेटा, ओमेगा एल की वैल्यू रखो है, ओमेगा बराबर 2πf रखना पड़ेगा, फिर f का मान भी रखना पड़ेगा, वहां से 10 फाई आएगा बेटा। तो जल्दी करो, 60 सवाल है अभी, 10 सवाल भी नहीं हुए अपने। पैतालीस आ गया, ठीक है, आंसर में है 45 डिग्री। देखो आंसर पढ़ा है। अगर मान लो मैं आपसे इनकी इक्वेशन पूछूं, इक्वेशन कैसे निकाल, 10 फाइव आ गया 45 सबके, नहीं आया, चलो देखो इधर नहीं आया जिसके, तो मैंने अभी आपको बोला 10 फाइव बराबर क्या आएगा एक्सएल बटे, एक्सएल किसके बराबर बटे ओमेगा किसके बराबर 2πf इंटू एल बटे आर। सॉल्व कर लो, 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा 300/2π, एल कितना दे रखा है बेटा 1 हेनरी, रेजिस्टेंस कितना दिया है देखो 2π 2π 300 300, तो 10 फाइव कितना आ गया 1। अगर मेरा 10 फाइव 1 है, अगर मेरा 10 फाइव 1 है तो फाइव कितना हो गया। अब इक्वेशन के लिए आ जाओ, उसकी बेसिक डेफिनेशन। इक्वेशन लिखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वोल्टेज और करंट का। आप लोगों को पता हो तो मैंने बताया था यहाँ क्या होता है आई, यहाँ क्या होता है मेरा वी आर, और यहाँ क्या होता है वी एन। वी नेट कहाँ आता है, यहाँ आता है, और यहाँ क्या होता है फेज डिफरेंस फाई। तो करंट कहाँ चलती है, पीछे। कहाँ चलती है, पीछे। तो करंट की इक्वेशन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, लिखी थी वाई पे। मैंने इसकी इक्वेशन लिखने के लिए क्या बोला था, आप ये डायग्राम बनाओ इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आई बराबर क्या आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 40। बस मैं बोला भी था इसमें इक्वेशन याद नहीं करनी है, इसमें सिर्फ ये आपको डायग्राम आना चाहिए, एक तो वी वाला वी और आई का डायग्राम आना चाहिए, और एक इम्पीडेंस का डायग्राम आना चाहिए। चलो लिखो जल्दी सब, हो गया।
चलो नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, अगला सवाल पेपर का सवाल होगा, 2011 का सवाल है। सवाल पढ़ के समझा देता हूँ, सवाल को सुनो। आपके पास में एसी वोल्टेज अपडेट किया गया रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर और एक इंडक्टेंस है सीरीज में, यानी आरएल सर्किट दिया है। कौन सा सर्किट दिया है? आरएल सर्किट। इफ आर एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम, दोनों की वैल्यू किसके बराबर दी है? 3 ओम। द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इज, आपको फेज डिफरेंस बताना है वोल्टेज और करंट के बीच में, यानी पिछले वाला सवाल लगभग लगभग पिछले जैसा ही है। क्या है? पिछले जैसा ही है। कृष्ण ने क्या बोला है? आर और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, क्या बोला? आर और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी दी है? 3 ओम। यानी आर का मान भी कितना है? 3 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल। एक्सएल का मान भी क्या दिया है? 3 ओम। ये तो कहे कि बच्चों वाला सवाल हो गया। कैसे? टेन फाई क्या होता है? एक्सएल बटे आर। एक्सएल बटे आर कितना आ गया? 1। तो फाई कितना आ गया? 45 डिग्री। आई कितना आ गया? 45 डिग्री। आई बात समझ में? आई रे मुक्सा, चलो ठीक है, करने की जरूरत है क्या? अगला सवाल देखो, 2011 का ये सवाल। एक कॉयल है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम दिया है। अपने पास एक कॉयल है जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम है और इसका रिएक्टेंस कितना? इंडक्टिव रिएक्टेंस, वर्ड पे जाया करो, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी आर तो कितना दे रखा है? 30 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल। कितना दिया है? 20 ओम। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। इफ एंड एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज। अच्छा, अपने पास में एक एसी सोर्स है, ठीक है, कितने वोल्ट का? 200 वोल्ट का। फ्रीक्वेंसी कितनी? 100 हर्ट्ज। इस कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, इससे कनेक्ट कर दिया जाए तब बताना है कॉइल की करंट कितनी होगी। इफ एन एसी सोर्स, हम एक एसी सोर्स कनेक्ट करें 200 वोल्ट और 100 हर्ट्ज का, इस कनेक्टेड द कॉइल, इस कॉइल के साथ में जो अपने पास कॉइल थी ना इंडक्टिव कॉइल, इसके साथ में, तो उसका आपको बताना है कॉइल की करंट कितनी होगी। चलो डाटा लिखो जल्दी से, फिर सॉल्व करने के। चलो देखो एक बार सवाल को थोड़ा सा समझाता हूँ। सवाल में थोड़ा सा क्या है, पूरा डिस्क्राइब करता हूँ। एक रेजिस्टेंस है 30 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 30 ओम का और एक इंडक्टर कॉयल है। एक इंडक्टर कॉयल है कितने की, जिसका एक्सएल दे रखा है 20, ठीक है। ये पहला केस दिया 50 हर्ट्ज की। क्या हो गया इसको? तो फ्रीक्वेंसी 50। अब इसी चीज को क्या क्या, इन्होंने इसको कनेक्ट किया कॉइल को, क्या बोला? कॉइल को कनेक्ट किया, तो रेजिस्टेंस अभी भी उसका सेम ही रहने वाला है। अब कॉइल से कनेक्ट कर लिया इसने, अब देखना ध्यान से, इसने एक एसी सप्लाई दी। क्या दी? एसी सप्लाई, जो कितने वोल्ट की है? 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज की। अपना टारगेट रहेगा सबसे पहले इसका एक्सएल डैश क्या आएगा, ये टारगेट रहेगा। सबसे पहले टारगेट क्या रहेगा? एक्सएल डैश निकालना। और आपको पूछा क्या, इसमें से उसकी करंट निकालना। क्या निकालना? करंट। और मैंने बोला जब भी आपको करंट पूछा जाएगा मतलब क्या निकालना पड़ेगा? आईआरएमएस। क्या निकालना पड़ेगा? आईआरएमएस, जो किसके बराबर होगा? वीआरएमएस बटे जेड। क्या होगा? जेड। अब अपने को पता है कि एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। क्या होता है बेटा? ओमेगा एल। यानी कि एक्सएल जो होता है वो किसके होता है? L के प्रोपोर्शनल होता है, L के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात L के भी होता है, दूसरी चीज होती है XL जो प्रोपोर्शनल होता है वो ओमेगा के होता है। ओमेगा बोले तो 2 पाई f,
क्या बेटा 2πf, यानी एक्सएल जो प्रोपोर्शनल है वो किसके फ्रीक्वेंसी के है, किसके बेटा फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100 हर्ट्ज। आई बात समझ लो, एक्सएल का मान यहाँ 20 था तो यहाँ कितना होगा 40। अब एक्सएल मिल गया, जेड निकाल दो, क्या निकाल दो जेड, जेड कैसे निकालते हो रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और वी आर एम एस कितना है अपने पास में, वी आर एम एस ये रहा 200 बट्टा रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल कितना है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ट्रिपलेट बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बन रहा था 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर क्या बन गया 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर बोले तो रूट और 50 स्क्वायर बोले तो 50, तो कितना आ गया मान 4 एम्पीयर आ गया, कितना आ गया 4। इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख देना, आपके पास बुक हो तो उस बुक से ध्यान रखना 2011 वाला सवाल, ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए, ठीक। एम टी जी वगैरह जो भी बुक हो आपके पास में, अरे कोई ना कोई शीट खोल देना, शीट में भी मिल जाएगा, पुराना सवाल है तो 2011 का पुराना सवाल किसी न किसी शीट में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे जल्दी से देख लो एक बार क्वेश्चंस को, देख लो कैसे सॉल्व किया, एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, देखो जल्दी से कैसे सॉल्व किया फटाफट। चलो अगला वाला सवाल लिखो जल्दी से फटाफट फास्टली, ये रहा सवाल। ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 1/π माइक्रो फैरड, यानी कौन से सर्किट की बात कर रहे हैं, आरसी की, कौन सा सर्किट आ गया बेटा आरसी सर्किट। इफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ 100 वोल्ट दिया है, कितना दिया है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, तो वही काम करो वापस, ये कैपेसिटी बनाओ, ये क्या बनाओ रेजिस्टेंस और एसी सप्लाई, एसी सब कितने की है बेटा 100 वोल्ट की, और क्या दे रखा है 50 हर्ट्ज, क्या निकालना है फाइंड द इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू, मैंने बोला भी था, क्या बोला था आरएमएस वैल्यू, तो आपको क्या निकालना है आईआरएमएस, आईआरएमएस किसके बराबर होगा बेटा वीआरएमएस अपॉन जेड, वीआरएमएस कितना है 100 अपॉन जेड, इसमें जेड कैसे निकालोगे, तो ये कौन सा सर्किट है बेटा आरसी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर, सॉल्व कर लो और जल्दी से उत्तर बताओ कौन सा ऑप्शन है। बेटा सी बोले तो कितना, सी तो नहीं आ रहा बेटा इसका आंसर, एक्सी निकालो सबसे पहले, टारगेट करो एक्सी को, एक्सी क्या होता है 1/ωc, एक्सी होता है 1/ωc, तो पहले एक्सी निकालो, एक्सी निकाल के फिर जेड निकालना, समझे ये काम करना। एक्सी कर लो 1/ωc, ओमेगा नहीं दे रखा है लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या,
फ्रीक्वेंसी देर की ओमेगा निकाल दो 1/2 पाई एफ सी से, किसे निकाल दो 1/2 पाई एफ सी से। तो सबसे पहला टारगेट कोशिश करो एक्स सी निकालने का। तो एक्स सी क्या होता है बेटा 1/ ओमेगा सी, एक्स सी बराबर क्या है 1/2 पाई एफ इंटू सी, 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 50 हर्ट्ज, सी कितना है बेटा 1/π माइक्रोफेरेड, मतलब 10^-4। तो देखो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 50 दूनी कितने हो गए 100, 100 × 10^-6 क्या हो गया 10^-4, ऊपर गई तो क्या आगे बन गया 10^+4। एक्स सी आगे अब क्या निकाल दीजिए जेड, क्या निकाल दीजिए जेड। तो जेड बराबर क्या होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर का मान कितना देर का सवाल में देखो ध्यान से, 100 देर का है, क्या देर का है 100। तो ये बन गया 100² प्लस 10^4 का स्क्वायर, ये क्या बन गया 10^4 प्लस 10^8। इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या कह रहा हूं मैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो अप्रोक्सीमेशन आएगा, ये बात तो फिक्स हो गई, ये बात क्या फिक्स हो गई, अप्रोक्सीमेशन आएगा, ये चीज तो फिक्स हो चुकी। अब ध्यान से देखोगे 10^4 को कॉमन लो, 10^4 को क्या लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 + 10^4। 10^4 बार आएगी तो क्या आएगा 10^2 रूट 1 + 10^4। अब ये 10^4 है, क्या है 4। अब 10^4 मतलब कितना हुआ 10,000। अब 10,000 के अंदर एक जोड़ोगे तो वो क्या बनता है 10,001 बनता है, क्या बनता है 10,001। यानी 10,000 के आगे एक रुपये की कोई वैल्यू है क्या भाई, एक रुपये में एक ट्रॉफी आती है, 10,000 रुपये में कितनी ट्रॉफी आएगी 10,000। यानी कि एक के आगे 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए एक को क्या कर देंगे नेगेटिव। 10^2 रूट 10^4, 10^4 कितना हो गया 2, 10^2 का मल्टीपल गया 10^2 से तो कितना बन गया 10^2 आ गया, कितना आया 10^2, और 10^2 ऑलरेडी बाहर पड़ा एक ये रहा, तो कितना हो गया 10^4। तो ये कितना आ गया 10^4, जेड आया 10^4। तो अपने को क्या निकालना है IRMS निकालना है, अपने को वैल्यू कौन सी निकालनी है IRMS की। तो IRMS क्या होता है VRMS/Z, IRMS होता क्या है VRMS/Z, VRMS कितना था बेटा 100, कितना था 100, और Z कितना है बेटा तो ये क्या आ गया 10^-2 एम्पीयर, लेकिन अपने उत्तर मिली एम्पीयर में थे, किस में थे मिली एम्पीयर में, तो क्या करोगे 10 से गुणा भाग कर लो, और ये पावर ऊपर का 3 बन गई, 10^-3 एम्पीयर, तो क्या बन गया आ गया, किसी का आया था, चलो लिखो सॉल्यूशन जल्दी से, नहीं लिखना लिखो लिखो फास्ट लिखो नहीं। अब नहीं अब ज्यादा ही लिख दिया, थक गए क्या, नहीं करवाना क्वेश्चंस हाँ बोल बेटा, क्या वापस अगला सवाल ला भाई, यह एक वर्ड लिखा है रीटेस्ट, क्या लिखा है और जब भी रीटेस्ट लिखा होता है वहां मन को बोलना संभल के सवाल करना, क्या करना संभल के, एक रीटेस्ट वाला 2015 का और एक 2016 वाला पेपर, ठीक है उड़ीसा वाला था, ठीक है बाढ़ आई थी इसलिए उन्होंने नीट नहीं बाढ़ लिया, इस बार सवाल को खुद से समझने की कोशिश करो। एक सीरीज आरसी सर्किट के बारे में बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है एक सीरीज आरसी सर्किट के बारे में, जो कनेक्ट किया गया अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से, किससे कनेक्टेड किया गया अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स से, अपने को दो सिचुएशन दिए, कितने दिए बेटा दो, पहली कंडीशन है कि कैपेसिटर जो है बिल्कुल एयर से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है एयर से, और दूसरी कंडीशन है कैपेसिटर के अंदर माइका भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है माइका, ये वो माइका नहीं है जो आप सोच रहे हो, लड़कियां देखने लगी माइका, अच्छा जब मेरी शादी होगी होगी क्या होनी तो फिक्स है तुम्हारी, फिर तुम्हारा माइका भी होगा नहीं है वो, तुम रोते रोते वही आओगे मेरी सास ने ऐसा कह दिया मेरी सास ने ऐसा कह दिया, ए भाई भाई मेरे को नहीं रहना, मेरे को ससुराल नहीं जाना, वो तो जाना ही पड़ेगा। आपको बताना है करंट थ्रू रजिस्टर इज आई, तो रजिस्टर से करंट जा रही है वो कितनी जा रही है आई, वोल्टेज कितना जा रहा है वी, तो बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही होने वाला है, ठीक है तो वोल्टेज ए का ज्यादा रहेगा बी का ज्यादा रहेगा, आपको क्या बताना है किसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा ए का के बी का, जब कैपेसिटर में एयर फील थी तब वोल्टेज ज्यादा है, या जब कैपेसिटर के अंदर एक पदार्थ भर दिया गया माइका उसका ज्यादा है, ये बताना है। माइका देखो, माइका देखे लड़कियों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, वारे वाह वाह तो माइका जल्दी जाओ भगवान से,
तो मायका अब ये तुम्हारा घर है, मायका कब बनेगा, जब तुम जाओगे ससुराल, गेंदा फूल, समझ गए? चलो गेंदा फूल, गंदा फूल नहीं, गेंदा फूल, ससुराल बहुत अच्छा होता है। मेरा खुद का ससुराल है ना, मेरा खुद का ससुराल है। मैं एक दिन, वो भी तुम झिंगुरों की वजह से जा पाए या नहीं जा पाए, तुम झिंगुरो। चलो हजार कर, सवाल करो फटाफट, झिंगुर कहीं के काम दाम है नहीं, कुछ होमवर्क दे दू क्या, करके ले आओगे? संभल के करना, वर्ड लिखा हुआ है संभल के, वर्ड क्या लिखा हुआ है, संभल के, तो सवाल संभल के करके आना, ये मैं पहले कह देता हूँ। हाँ भाई, सोनू चला ससुराल, बोलो बेटा, बोलो 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 सोनू, बोलो 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 बोलो, मैं कराऊंगा थोड़ी ये सवाल, थोड़ा बहुत तुम सीखो खुद से, चलो करो ये सवाल। आरएल सर्किट का सवाल आ गया क्या, दैट अक्रॉस द इंडक्टर इज 120 वोल्ट। अच्छा, इसमें सवाल के अंदर कुछ लाइन मिसिंग है, इसमें लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज 160 वोल्ट एंड दैट अक्रॉस द इंडक्टर इज 120 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का, रेजिस्टेंस का कितना दे रखा है 160 वोल्ट और इंडक्टर का क्या दे रखा है 120 वोल्ट। इफेक्टिव करंट इन द सर्किट विल बी 1 एम्पीयर, मतलब IRMS दे दिया। इफेक्टिव का मतलब क्या, मैंने बता दिया। कैलकुलेट द टोटल इंपीडेंस, मतलब जेड पूछा है, क्या पूछे, जेड सर्किट नोम, आपको जेड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, जेड। कैसे निकालोगे जल्दी से बोलो, खतरनाक सवाल है। अच्छा, तुमसे ज्यादा खतरनाक सवाल क्या ही हो सकता है, सोचो, जितने डरावने तुम हो उतना डरावना सवाल थोड़ी होगा। चलो ये भी होमवर्क दे दो, तो करो, मैं करवाऊंगा नहीं, तुम बता किस फिराक में हो के सर करवाएंगे, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है पर मैं करवाने वाला नहीं, ये समझना है। तो अच्छी बात नहीं आए तो अच्छी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया था, VR, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो VR कितना गिवन है जिंगुरो 120, कितना गिवन है 120, VL जिंगुरो कितना गिवन है 160, बस रटते हो कि ये VR होता है, पर VR होता क्या ये नहीं पता, उल्टा लिख दिया क्या, ये रहा नीचे लिखा हुआ, नीचे समझे, क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स है। Yes, जिंगूर। तो VR कितना मिल गया 160, VL कितना मिल गया 120, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, तो फिर कर लो जल्दी से। तो पहले VNET निकालने की कोशिश करो, क्या करो VNET की, जैसे VNET मिल जाए तो फॉर्मूला लगा देना IRMS बराबर VRMS बटे Z, Z बराबर क्या आ जाएगा VRMS बटे IRMS, IRMS सवाल में दे रखा है, आपका टारगेट क्या है VRMS निकालने का, और VRMS कैसे निकालोगे गुरुजी, कैसे निकालेंगे गुरुजी को क्या पता, अरे जिंगूर जो VNET आएगा ना वही तो VRMS होगा, क्योंकि अपन इसी में निकाल ले VNET, VNET किस में निकालना है, एसी के अंदर ही निकालना है, जो एसी में आएगा तो वही अपना क्या होगा, ऑप्शन सी बोल दिया, ऑप्शन सी कहीं कहीं सही है। चलो निकालो VRMS IRMS दे रखा है, सबसे बड़ा टारगेट VRMS, VRMS किससे आएगा VNET से, VNET कैसे निकालो, 160 और 120, VNET कहीं बीच में आएगा तो कितना बताया था रूड 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, यानी कि ये किस, इसको मान लो आप 100 कैसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ, देखो तुम तो कुछ भी मान सकते हो, तुम तो, मैं ये कहता हूँ कि तुम तो है ना मनुष्य हो, देखो मैं आपको ना इसको ट्रिपलेट से करवाना सिखाता हूँ, देखो इसमें भी 40 का गुना हुआ 160 बना, इसमें भी 40 का गुना कितना बना 120, तीन और चार का ट्रिपलेट क्या आता है 5,
तो 5 का गुणा किससे होगा, 40 से, तो वी नेट क्या आ गया 200, वी नेट कितनी आ गई रे 200, खत्म। अब क्या निकालना है चोरे रे, जेड, जेड बराबर क्या आ गया 200। तुमने ऐसे किया होगा अंडर रूट 40 किसका 30 किसका, दैट इज इक्वल टू 40 है क्या, पहली बात 160 120। चलो करो जल्दी से, ले 120 जल्दी करो रे। हो गया क्या केश, चलो ये लो भाई बड़ा सवाल, तकड़ा सवाल, आरएल सर्किट का सब निकाल दो, जो जो है वो सब निकाल दो, करो ये सवाल करके बताओ, अभी करना है मेरे सामने, मैं करूंगा नहीं। देखो मैं बताता हूँ, वैसे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ सब लिखा हुआ है, एक्सेल निकालो, जेड निकालो, फाई निकालो, आई नॉट निकालो, करंट की इक्वेशन निकालो, आई इंस्टेंटेनियस कभी भी दिखे मतलब वो इक्वेशन पूछ रहे हैं, वोल्टेज निकालो, रेजिस्टेंस के फॉर्म में वी आर निकालना है, वी एल निकालना है, सब निकालना ही निकालना। चलो करो रे, थक गए यार आज, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक जल्दी से करो। सबसे पहले निकालो एक्सेल क्या आएगा, निकाल दो सारे बता देना मैं लिख दूंगा। कर लोगे, चलो ये भी होमवर्क सवाल है, ठीक है, तो सारे सवाल करके लिएगा, देखिए सवाल सारे समझ में आएगा नहीं आए रे, आगे एक बार सवाल को वापस देख लेना घर जाके, और ये वाला सेशन देखना ही देखना है, एक बार नहीं, एक बच्चे को सवाल नहीं समझ, उसको कम से कम इस सेशन को 4 बार देखना है, वो भी 0.5 की स्पीड पे, 1 के भी स्पीड पे भी नहीं, आई बात समझ में, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, चलो जाते हैं अभी, राधे राधे।